गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अक्सर हम बातचीत करते हैं डेवलपमेंट की या फिर इम्प्रूवमेंट की, लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक ऑनरशिप नहीं आता है। ऑनरशिप का मतलब कंप्लीट ऑनरशिप। आपसे अगर हम पूछते हैं यह देश किसका है, तो सारे लोग बोलेंगे हमारा है। अगर आपसे पूछते हैं यह पत्नी किसकी है या फिर यह गर्लफ्रेंड किसकी है, तो आप बोलते हैं मेरी है। यही ऑनरशिप होता है, कंप्लीट ऑनरशिप होता है। और यही ऑनरशिप जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लाते हैं, तब तक कतई संभव नहीं है कि आपको समझ में आए NVA क्या है, MUDA क्या है। इसके लिए जिस तरह से आपको ऐसा लगता है यह देश हमारा है, ठीक उसी तरह से आपको लगना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी, ये मेरी है। और जब तक मेरी का भावना नहीं आएगा, तब तक डेवलपमेंट नहीं होता है। आप अगर डिफेंस में देखेंगे तो हर को मेरी की भावना होता है, मेरा है, न कि हमारा है। इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, मिस्टर फिलिप्स और वर्गिस रसिया में दोनों दोस्त थे और दोनों एक ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने काम आरंभ किया लगभग 250 रुपये इंडियन रुपीस में अगर बातचीत किया जाए तो 250 रुपये के हिसाब से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम आरंभ किया। और कुछ दिनों तक काम करने के बाद एक समय आया जबकि दोनों रिटायर्ड होने से पहले ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के अपने अपने कार्य में लग गए। उस पे एक दोस्त जो फिलिप्स था, कुछ दिनों के बाद एक ईंटे की भट्टी में काम कर रहा था। और वह काम कर रहा था, ठीक उसी समय उसके भट्टी के सामने एक लंबी सी गाड़ी आई और रुक गई और उससे एक आदमी फिलिप्स को बुलाया, आ जाओ। और दोनों ने गाड़ी में बैठे और बैठने के बाद कुछ वार्तालाप हुई, कुछ ड्रिंक्स लिए और फिर वर्गिस आगे को निकल गया। जब फिलिप्स अपने दोस्तों के साथ बातचीत किया कि यह एक समय था मेरे साथ कार्य करता था, तो लोगों ने बोला तो जब आपके साथ वो कार्य करता था तो आज इतनी बड़ी लंबी गाड़ी में कैसे है। तो उसने जो जवाब दिया वह वास्तव में जीवन की फिलॉसफी। उसने कहा जब वह हम और वो दोनों 250 रुपए के लिए काम कर रहे थे, तब भी वह कंपनी को अपना मानता था, कहता था ये मेरा है और मुझे ऐसा ऐसा करना है, जबकि मैं मात्र 250 रुपए के लिए कार्य करता था। नतीजा, आज मैं प्रत्येक दिन 500 रुपए के लिए काम कर रहा हूँ और एक यह बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का CEO है। क्या कह सकते हैं, वो उसका हाँ का मालिक है। कहने का तात्पर्य, जब तक आप में कंप्लीट ऑनरशिप नहीं आएगी, चाहे वो कुछ भी हो, आपका घर का सामान हो, पेन हो या कुछ भी, जब आप में ऑनरशिप आता है तो उसके प्रति आपका प्रेम जागृत होता है। और जब प्रेम जागृत होता है तो उसे एक अलग टाइप का लगाव महसूस होता है। और जब लगाव महसूस होता है तब आप उसमें किसी भी प्रकार का NVA या फिर गलती या फिर नुकसान पसंद नहीं करते और यहीं से डेवलपमेंट आरंभ होता है। इसलिए आप जहां भी कार्य करते हो, जैसे आपको अपने देश पे गर्व है, आप गर्व के साथ कहते हैं कि यह देश हमारा है, उसी तरह जब तक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को मेरी की भावना से कार्य नहीं करेंगे, तब तक न डेवलपमेंट होगा, न NVA मिलेंगे और न ही 7 West आप कार्य कर पाएंगे। यदि आप मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं या फिर एरिया ओनर, तो सबसे पहले कंप्लीट ऑनरशिप पे काम करें, तभी जाकर डेवलपमेंट होगा। जय हिंद।